दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एनआईओएस से डीलेट या फिर यूपी टेट, सी टेट या फिर अदर टेट एग्जाम की तैयारी, तो आप सबों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर वो अनअकैडमी पे आ रहा है, तो आप सभी वहां पे जाके अपने वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको वहां पे सर्च करना है मिथुन सिंह, और मिथुन सिंह को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप रेगुलर वहां पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर आते हैं आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको अनअकैडमी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां की आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहां पे शुरू करते हैं और यहां पे देखते हैं कि क्या आज का अपडेट यहां पे आया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और जो भी शिक्षक एनआईओएस से डीलेट कर रहे हैं, उन सबों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उनके पीसीपी क्लास का डेट यहां पे आ चुका है। खास करके वैसे शिक्षक जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उनके प्रॉपर पीसीपी क्लास का डेट आ चुका है और उनका पीटी यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग कब से शुरू होगा, तो उसका भी प्रॉपर डेट यहां पे आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या यहां पे प्रॉपर डेट आए हुए हैं। दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको यहां पे हम बता दें कि जो भी शिक्षक वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, केरला या फिर गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उन सबों के लिए मैंने प्रॉपर पीसीपी क्लास के डेट के बारे में बताया था। उनका प्रॉपर शेड्यूल मैंने आपको दिखाया था कि कब से वहां पे प्रॉपर पीसीपी क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए इस वीडियो को यहां पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिहार के लिए क्या यहां पे प्रॉपर शेड्यूल निकाले गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहां पे लेटर निकाला गया है। अगर इस लेटर की बात करें तो 10 सितंबर को ये लेटर जारी किया गया था। इसमें अगर विषय देखें तो विषय लिखा गया है डीलेट की द्वितीय वर्ष के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम एवं शिक्षण अभ्यास के संबंध में। फिर नीचे लिखा गया है महाशय, डीलेट के द्वितीय वर्ष का समय प्रारंभ हो गया है, जिसमें व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम यानी कि 15 दिन का एवं शिक्षण अभ्यास जिसके लिए कि 240 कल्याण आवश्यक है। दिनांक 6/10/2018 से व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी तालिका 7 में संलग्न है, जिसे पोर्टल पर भी दिया जा सकता है। फिर नीचे लिखा गया है शिक्षण अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग दिनांक 8/10/2018 से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए आवश्यक जानकारी पत्रक अध्ययन केंद्र समन्वय को प्रेषित है। कृपया इसे वेबसाइट पर स्थान देने की कृपा करेंगे ताकि प्रशिक्षु को सुविधा हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी पीसीपी क्लास का डेट है यानी कि जो भी पीसीपी क्लास है वो 6 तारीख यानी कि 6 अक्टूबर से यहाँ पे शुरू हो चुका है, और जो भी पीटी है यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग है वो 8 यानी कि 8 अक्टूबर से यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो चलिए नीचे यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल निकाले गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे निकाला गया है कि 6 तारीख को क्या पढ़ाया जाएगा, फिर 7 तारीख को क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आज तक की बात करें तो 4 से 5 क्लास यहाँ पे हो चुके हैं और आगे भी यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे क्लास अभी होने बाकी है। अगर अभी तक आपने अपने स्टडी सेंटर पर जाके क्लास को अटेंड नहीं किया है तो अभी भी जाके अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो जो भी आपका पीसीपी क्लास है वो 2 सत्र में होगा, जिसमें कि प्रथम सत्र आपका 10:30 से 1:30 बजे तक के लिए है और द्वितीय सत्र आपका 2 से 4:30 बजे तक है। तो इस तरह से आप देख लें कि किस दिन आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पे 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को आपको 506 के बारे में बताया जाएगा, फिर 7 तारीख को 507 के बारे में, फिर 13 तारीख को 508 के बारे में, फिर 14 तारीख को 509 या फिर 510 के बारे में। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लें कि प्रॉपर डेट पे, प्रॉपर टाइम पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वो हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो टोटल आपका 15 पीसीपी क्लास रहेंगे, जिसमें से कि आपका जो भी लास्ट क्लास है वो 24 नवंबर तक यहाँ पे क्लास होगा। और फिर अगर नीचे यहाँ पे देखें तो नोट यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है प्रत्येक सत्र की अवधि 2.5 घंटे की होगी, यानी कि जो भी आपका प्रॉपर क्लास है यानी कि प्रत्येक यहाँ पे क्लास होगा वो 2.5 घंटे का होगा। फिर आगे लिखा गया है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जो है जो भी यहाँ पे शेड्यूल निकाले गए हैं इसमें बदलाव भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि जो भी आपका प्रॉपर पीसीपी का जो भी यहाँ पे शेड्यूल निकाला गया है कि 6 तारीख से यानी कि 6 अक्टूबर से पीसीपी क्लास शुरू होगा, तो क्या आपके स्टडी सेंटर पे 6 तारीख से यानी कि 6 अक्टूबर से पीसीपी क्लास शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपके स्टडी सेंटर पे अभी पीसीपी क्लास शुरू नहीं हुए तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पता है कि आपका पीसीपी क्लास कब से शुरू होगा तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है प्रत्येक दिन 2 सत्र के लिए 2 संसाधन से भी प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं, प्रत्येक 100 प्रशिक्षु शिक्षकों की एक इकाई के लिए कुल 4 संसाधन से भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस स्टडी सेंटर पे 100 शिक्षक हैं तो उसके लिए टोटल 4 संसाधन से भी रहेंगे। तो यहाँ आप देख लें कि यही आपका प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे निकाला गया है, और जो भी आपका पीटी है यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग है वो 8 अक्टूबर से शुरू होने का यहाँ पे डेट रखा गया था। तो वो भी आप नीचे यहाँ पे कमेंट्स करें कि 8 अक्टूबर को आपका पीटी शुरू हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे दोस्तों बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा था पीसीपी क्लास को लेकर और पीटी को लेकर। और दोस्तों, आगे यहाँ पे जो भी अपडेट आता है एनआईओएस से डीलेट को लेकर या फिर ब्रिज कोर्स को लेकर या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया गया। और दोस्तों, आगे इसी तरह के वीडियो सब बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।